फैक्ट्री में आप लोगों का सेकंड दिन में आप स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र आज आपको घुमाने वाला हूँ उज्जैन नगरी, जो कि महाकाल जी की नगरी है। तो आज यहाँ पर हमारा दूसरा दिन है और अभी मैं रेडी हो चुका हूँ। कल के गेटअप से बहुत ही चेंज है और यह है महाकाल की दुनिया का। इस गेटअप को देखिए आप, यहाँ पर सभी प्रकार के ऐसे गमछे वगैरह मिल जाएंगे आपको, टी शर्ट वगैरह। तो गाइज अभी नहाकर तो रेडी हो चुके हैं, समय अभी का हुआ है लगभग 6:30 बजे और 6 बजे हम रेडी हो रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग मतलब नाइट में लगभग 1:30 बजे सोए थे, इस कारण से अभी लेट हो रहे हैं। तो हमारा आज का भी प्लान यहीं पर है कि रुकने का, तो यहाँ पर रुकेंगे या मंदिरों में, क्योंकि कल नाइट में जो था पानी आ गया था, इस कारण से हम रुक नहीं पाए। तो बाहर का सीन कुछ अभी ऐसा है, नाइट में दिखा नहीं पाए होंगे। श्रद्धालुगण उठकर भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए निकल पड़े हैं और हम आज इसलिए नहीं गए क्योंकि कल नाइट में बहुत ही लेट सोए थे, इस कारण से। कोई बात नहीं, कल मॉर्निंग में हम भी जल्दी उठ जाएंगे और भोलेनाथ जी के दर्शन करेंगे, लेकिन आज जितना भी हो सकते उतना कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मंदिरों की कमी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर आपको घूमते घूमते बहुत टाइम लग सकता है। तो चलिए चलते हैं और आपको मिलाते हैं भोलेनाथ जी के दर्शन के साथ। ये अपना मेन गेट की दुकान है, चप्पल से दुकान निकाला, पाँच का खुला जैसा मसाले का जैसा लेना। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं चाय वाय पीने और फिर हो जाएंगे एकदम रेडी। ठीक है, और मॉर्निंग में अभी देख सकते हैं क्या ही भीड़ भड़का है, सभी श्रद्धालुओं ने अभी रास्ते में आपको मिल जाएंगे पूजा वूजा करते हुए। ठीक है, ये कुछ सीन रहा है यहाँ का मॉर्निंग का।
गाइस फाइनली जो है हम महाकाल जी के दर्शन करने पहुंच चुके हैं। अपना जो यहां का आने का टाइम हो चुका है, अभी अंदर मंदिर में सेवा चालू है, उसके बाद जस्ट आरती वगैरह होंगी। देख सकते हैं यहां पर बैनर पर आपको दिखाई पड़ रहा है आरती स्टार्ट ही होने आ रही है। इसके पहले हम अंदर बोले हर हर महादेव, 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 बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। उधर से महाकाल दर्शन करके आने के बाद बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी, इसलिए रूम पर आ चुके थे। और रूम पर आने के बाद हमको रूम भी चेंज करना था, क्या था कि वाले रूम में थोड़ा बेस्ट सर्विस नहीं था, इसलिए हमने रूम भी चेंज कर दिया। और ये नेक्स्ट ये कुछ रूम है, सभी कुछ सुविधा इसी रूम में। और क्या बोलते हैं, अभी अब जाएंगे रामघाट और भैरवनाथ जी के दर्शन करने, तो थोड़ा बहुत आराम कर लेते हैं, नेक्स्ट फिर निकलेंगे उस सफर पर जहाँ पर हमको जाना है। तो चलिए मिलते हैं अगले कुछ ही समय में।